तो आज की जो हमारी ये टॉपिक है, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वीवीए से करें या एक्सेल से करें, राइट? क्या कहाँ पे हमें वीवीए का यूज हो करना पड़ेगा, कैसे पता चलेगा कि हाँ यहाँ ये जो है वीवीए का यूज करने वाली प्रॉब्लम है, इस पे एक्सेल नहीं हो पाएगा। तो चलिए इसी सब चीज़ों पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वीवीए सीखने से पहले। तो आपके लिए मेरे पास एक प्रॉब्लम तो अभी तैयार है, अभी अभी मैंने 8 बजे इसको डिस्कस किया है, ठीक है? तो देखिए क्या प्रॉब्लम है। तो बेसिकली यहां पे इस तरह से डेट डले हुए हैं, दिख रहा है सर? ये जो डेट डला हुआ है, ये डेट आपको दिख रहा है? अब मुझे क्या करना है, इस डेट को अलग अलग करना है। तो आप बोलोगे सर इसमें बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम टेक्स्ट टू कॉलम कर देंगे, राइट? करते हैं, और यहां हम डेटा मेनू बार में हमारे पास टेक्स्ट टू कॉलम है। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम यहां पर है, क्योंकि हमारा डेटा में आप देख रहे हैं कहीं कोई ज्यादा है कोई कम है, दिख रहा है सर? तो टेक्स्ट टू कॉलम करेंगे तो कैसे करेंगे, किस क्या डालेंगे इसमें, टैब डालते हैं या स्पेस डालते हैं? तो यहां पे टैब और स्पेस दोनों को हमने ले लिया हुआ है, एंड नेक्स्ट किया, फिनिश किया, तो आपके सामने डेटा आ गया। तो यहां पे देखिए इस कॉलम में कुछ, एक मिनट, किसी के बैकग्राउंड शोर आ रहा है, प्लीज आप लोग म्यूट कर रहे हैं प्लीज। आप लोग सोचना चाहिए कि बैकग्राउंड शोर से क्लास डिस्टर्ब हो सकती है, तो ये चीज बतानी पड़ेगी। सुहानी जी, आपके यहां से आ रहा है शोर, प्लीज म्यूट रखिए, और क्लास करते समय देख लीजिए कि आप किसी शांत जगह पे बैठे हैं या नहीं है। तो यहां पे करने से प्रॉब्लम क्या हो गई, आपके सामने दिख रहा है प्रॉब्लम? ऐसे हुआ इसलिए क्योंकि जो डेट ये जो डला हुआ है इसको समझिए पहले क्या है। तो इसमें दो तीन फॉर्मेट्स है अलग अलग। तो ये देखिए, ये हमारा डेट है, ये डेट है हमारा DDMMYY फॉर्मेट में, फिर ये हमारा टाइम डला हुआ है, ये कुछ 9 और 1 की कोड है, फिर ये जो डेट दिख रहा है ये डेट हमारा है MMDDYY के फॉर्मेट। ओके, और ये इस ब्लास्ट में फॉर्मेट भी दिया गया है, डेट भी दिया गया, बट यहां पे कुछ ऐसा नहीं, यहां आप देख रहे हैं कुछ ऐसा नहीं है। तो मुझे इसमें से डेट को अलग करना है, टाइम को अलग करना है, कैसे करें? ये मतलब पिछली करने वाली बात है सर, क्योंकि डेटा नोट पैड की डेटा है, राइट सर? ये जो डेटा है नोट पैड की डेटा है, तो इसको अगर मैं कॉपी करूं और नोट पैड पर चला जाऊं, तो नोट पैड पे जाने के बाद इसको इजीली हटाया जा किया जा सकता है, लेकिन नोट पैड के डेटा को एक ही कॉलम में, ऐसी प्रॉब्लम होती है कि डेटा हमारे एक ही कॉलम में कॉपी पेस्ट हो जाती है। तो इसको मैंने अलग अलग फॉर्मूले, लेफ्ट राइट मिड और कई सारे फॉर्मूले से हमने इसको अलग कर दिया हुआ है, ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम यहां पर है कि और किस तरीके से और करें हम, क्या इसमें वीवी यूज किया जा सकता है? तो वीवी यूज करेंगे तो क्या करेंगे? तो चलिए हम पहले इसको एक्सेल से अलग करते हैं, फिर हम वीवी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इस चीज को जानिए कि ये तो स्पेस है, पता चल रहा है स्पेस है, बट ये जो है हमारा वो ये कोड क्या है, ये टैब है। अब टैब कैसे एक्सेल में प्रिंट करें हम, तो इसको हमने सेलेक्ट करके कॉपी किया और यहां पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैंने कोड फॉर्मूले से पता किया कि इसका कोड क्या है। अब जिनको कोड फॉर्मूला पता नहीं, मैं बता देता हूं कि किसी भी करेक्टर को कोड पता करने के लिए होता है, और वापस कैर फॉर्मूला होता है उस कोड से वापस करेक्टर में लाने के लिए।
विक्की जायसवाल जी, हेलो भाई, लेट हो गया। तो यहां पे हमने इसी का यूज किया कि हमने यहां पे फॉर्मूला लगाया। क्या फॉर्मूला लगाया हमने? फॉर्मूला लगाया फाइंड का। फाइंड फॉर्मूले में कोड का, कोड में 9 दिया और हमने यहां पे दिया एक मिनट। ये वैल्यू क्यों आया? ओ सॉरी, नहीं मैं गलत दे दिया हमने कोड नहीं, मुझे कैड देना चाहिए था। मुझे यहाँ पे कैड 9 है, कोड तो वापस कोड ही देता है ना सर। तो इसने 14 बता दिया कि भाई आपका पहला टाइप, मतलब कि ये जो यहाँ पे है ये टाइम के बाद जो है ये आपका 14 है, ठीक है। तो मैंने यहां पे अब क्या किया, मैंने यहां पे लेफ्ट का फॉर्मूला लगाया और इसमें से बोला कि 14 माइनस 1, तो मुझे डेट एंड टाइम मिल गया सर। बट प्रॉब्लम इसमें क्या है सर? क्या प्रॉब्लम है बताइए तो? हेलो बीर सिंह जी, आपको क्या प्रॉब्लम लग रहा है इसमें? मुझे इसमें प्रॉब्लम है, ये दिया तो डेट एंड टाइम बट मुझे लग रहा है सही नहीं दिया है। हाँ बोलो। नहीं ये कोई बड़ी ये बात नहीं हुई सर। नहीं नहीं हम डेट की बात कर रहे हैं, डेट गलत दिया है। नहीं नहीं वो भी नहीं है सर, दिल तोड़ दिया आपने सर। सर ये इसका फॉर्मेट है DDMMYY और मेरा सिस्टम का फॉर्मेट क्या है? MMDDYY। अब ये टेक्स्ट में है, जैसे मैं इसको टाइम में कन्वर्ट करूंगा, डेट में कन्वर्ट करूंगा, तो ये जैसे कि ये क्या है आपका, ये है 9 जनवरी 2020 3:11, क्या हो जाएगा पता आपको? ये हो जाएगा September 1। प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं सर? हेलो प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यही चीज तो सिखाना है सर। जस्ट बीबीए सीख लेने से आप एक्सपर्ट थोड़ी बन जाएंगे। आपका एक्सपर्ट बनने के लिए पहले होता है प्रॉब्लम को डिडक्ट करना। अगर आपने प्रॉब्लम को डिडक्ट किया देन आप सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे ना, चाहे वो एक्सेल का हो चाहे वीवी का हो। अगर आपको प्रॉब्लम डिडक्ट करने के लिए कोई ऐसी नहीं आया कि क्या प्रॉब्लम है ये डिडक्ट करने नहीं आया, तो कैसे पता चलेगा कि आप वीवी अप्लाई करो या एक्सेल अप्लाई करो? आप तो माथा पिच्ची करके ला जाओगे। सो फर्स्ट वो भी प्रॉब्लम डिडक्ट करने में एक नज़र में प्रॉब्लम डिडक्ट होना चाहिए। आप बोलोगे सर मैं थोड़ा ध्यान लगा के देखूंगा, टाइम लगा के देखूंगा, इतना टाइम नहीं होता है सर। आप लोग मुझे फोन करते हैं और फोन पे मैं समझ जाता हूं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो ऐसी स्किल्स आपको डेवलप करनी होगी, तो उसके लिए आपको सोचना होगा एक्सेल की तरह, बिल्कुल एक्सेल की तरह, समझे? तो इसका सॉल्व अगर मैनुअल करना हो तो सिंपल है, हम इसको कॉपी करेंगे और सबसे पहले पेस्ट करेंगे ताकि इसकी फॉर्मूला रिमूव हो जाए। ओके अब मैंने क्या किया, इसमें डेटा में ही होता है हमारे पास टेक्स्ट टू कॉलम। अभी मैं ट्राई कर रहा हूं, अब मुझे आइडिया नहीं कि होगा या नहीं होगा। और इसको डेट में DMY सिलेक्ट करके फिनिश कर दीजिए। कन्वर्ट हो गया एकदम सिंपल।
बोल रहे सर, और टाइम भी हमारा अलग हो गया। अब मैं इस पे आसानी से टाइम का फोल्डर फॉर्मेट अप्लाई कर, डेट का फॉर्मेट अप्लाई कर सकता हूं। पहले हमने ऑब्जर्व किया कि आखिर कौन सा करेक्टर है। अब एक करेक्टर था तो हमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे कौन सा करेक्टर है, तो हमने क्या किया, इसको कॉपी करके एक सेल पे लिखा और मैंने इसका कोड जाना कि इसका आखिर स्काई वैल्यू में कोड क्या है, और फिर इस कोड के बिहाफ से मैंने फाइंड फॉर्मूला लगाया और इसको यूज कर दिया, समझे। बट यहां पे एक प्रॉब्लम हुआ कि ये ऑटोमेटेड फुल्ली तरह से ऑटोमेटेड नहीं हुआ, क्योंकि मुझे इसको कॉपी पेस्ट करके इस पे टेक्स्ट टू कॉलम चलाना पड़ा। क्या सर? तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमें टेक्स्ट टू कॉलम चलाने की जरूरत ना पड़े। तो टाइम का फॉर्मेट कन्वर्टर कन्वर्टिंग के लिए कोई ऐसा ऑप्शन एक्सेल में अवेलेबल नहीं है, तो कैसे करेंगे सर? सब्स्टिट्यूट क्या कीजिएगा, अलग अलग मंथ है ना, हमें क्या करना है, जैसे ए है ना, मुझे वन को आगे लाना है, नाइन को पीछे लाना है, स्वैप करना है, और फिर सिलेक्ट 2020 और यहाँ पे 3:11। बात समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे प्रॉब्लम एक भी है ना कि यहाँ पे एक डिजिट है, अब नीचे देखिए 01 है, इसके नीचे 01 दिख रहा है आपको, 01 है, अब यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है, 13 है, फिर 9 है, तो डिजिट भी तो अलग अलग है ना। तो यहाँ पे हम एक अपना एक्सेल मेथड अगर अपनाए, वीवीए मेथड अलग है लेकिन एक्सेल मेथड अगर अपनाते हैं तो हमें यहाँ पे स्लैश को फाइंड करना होगा, यहाँ सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने 1 कर दिया तो 2 आ गया। फिर एक बार और मुझे फाइंड करना होगा क्योंकि दो स्लैश है ना, स्लैश और इसको फाइंड किया और हमने बोला कि इस बार 1 से नहीं 2+1 से करो, तो इसने बता दिया पहले स्लैश बता दिया कि पहला स्लैश दूसरे नंबर पोजीशन पे, दूसरा स्लैश तीसरे नंबर पोजीशंस पे। तो हमने क्या किया, हमने यहां पे लेफ्ट का फॉर्मूला आया और हम लेफ्ट के फॉर्मूले से हमने बोला कि 2-1 9 अलग हो गया। फिर वापस हमने मिड का फॉर्मूला लगाया और बोला कि यहां पे कि दूसरे से अगली वैल्यू और चौथे से -2 स्लैश आएगा, इसलिए हमने -1 कर देता हूं इसमें, ये 1 आ गया। अब वापस मैं यहां पे राइट फॉर्मूला लगाऊंगा, राइट फॉर्मूले में मैं बोलूंगा ए और हम बोलेंगे इसकी लेंथ, सॉरी लेन और इस लेन में से माइनस करो किसको, 4 को, और फिर हम कंबाइन कर देंगे, दैट इज 1/9/ हो गया सर, ठीक है। VBA के थ्रू क्या करेंगे, VBA के थ्रू हम इसकी एक माइक्रोज बना देंगे, ठीक है। माइक्रोज हम रिकॉर्डिंग से ही बना सकते हैं, कोडिंग से ही बना सकते हैं, मैं दोनों समझा दूंगा आपको। सेलेक्ट करेंगे और अप्लाई वही होगा, यहां पर ध्यान रखिएगा अप्लाई हम टेक्स्ट टू कॉलम ही करेंगे, समझे, BMY एंड फिनिश। और स्टॉप कर दिया,
मैं अगर यहाँ पे आता हूँ वी डेवलपर में माइक्रोज और मैं इस माइक्रो को एडिट करता हूँ। अब इसमें देखिए अभी माइक्रो परफेक्ट वर्क करेगा नहीं करेगा एक बार इसको हम देख लेते हैं। सी टू सिलेक्शन से एंड तक जाना है, सिलेक्शन डॉट टेक्स्ट कॉलम डेस्टिनेशन सी टू, टाइप करना है यहाँ पे चीज है। अगर मान लीजिए कि मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ तो क्या यह परफेक्टली वर्क करेगा? मैं अगर इसको माइक्रो वन को रन करता हूँ, रन कर रहा है तो ये हमने वीवी को, हालांकि मैंने रिकॉर्ड किया पर हम कोड भी कर सकते थे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ओके और यहाँ पे काम हो गया। तो अब आपको डिसाइड करना है कि वीवी प्रोग्रामिंग आप यूज कर सकते हो या फिर अपना मेथड ये यूज कर सकते हो जो मैंने मेथड आपको बताया। ठीक है, हेलो। तो यहां पे अब देखिए अभी हमने वीवी के थ्रू भी यूज किया तो क्या यूज किया, हमने डेटा वैलिड क्या बोलते हैं टेक्स्ट टू कॉलम को यूज किया ना सर, कोई अलग मेथड यूज किया नहीं। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि VBA स्टार्ट करने से पहले एक्सेल को आप अच्छी तरीके से ऑब्जॉर्व कर लो, क्योंकि VBA में भी आप वही लिख करेंगे जो आप नॉर्मल एक्सेल करते हैं, लेकिन उस कोड को लिख देंगे तो फिक्स हो जाएगा, क्योंकि आप नॉर्मल एक्सेल के थ्रू करेंगे तो आपको हर बार करना पड़ेगा, लेकिन VBA में एक ट्रिगर बन जाएगा कि नेक्स्ट टाइम मुझे जब भी चाहिए जस्ट हम यहां से रन करेंगे और ऑटोमेटिकली आपका डेटा हो जाएगा। तो क्या ये सारे काम के लिए हो सकता है? हाँ, ये सारे काम के लिए प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं रिकॉर्ड में डाल देता हूँ, हालांकि कोड भी कर सकता हूँ, लेकिन क्या है आप लोगों की कोडिंग अभी पता नहीं है तो फिलहाल मैं रिकॉर्डिंग में ही कर देता हूँ, दोबारा मैं कोड चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने फाइंड का फॉर्मा लगाया, फाइंड नहीं, यहाँ पर फाइंड नहीं, मुझे यहाँ पर लेफ्ट का फॉर्मा लगाना है। लेफ्ट, लेफ्ट में हमने इसको सेलेक्ट किया और हमने यहाँ पे फाइंड का फॉर्मूला लगाया और फाइंड के फॉर्मूले में मैंने दिया कैर, कैर में दिया हमने 9 और बोला कि इसमें जाइए और पहले लेटर से ढूंढिए और इसमें से हमने -1 किया और दे दिया। लेन है उस तरीके में, मुझे लेफ्ट देना चाहिए था, लेफ्ट इसमें -1 और नीचे की तरफ मैंने इसको ड्रैग कर दिया, कॉपी किया और इसी के ऊपर वैल्यू पेस्ट कर दिया और फिर इसी में मैं डेटा वैल्यूएशन में गया, टेक्स्ट टू कॉलम को गया और हम नेक्स्ट नेक्स्ट में हम डेट को सेलेक्ट किया और हमने DMY किया एंड फिनिश कर दिया, हमारा रिजल्ट बन गया और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। प्रोग्रामिंग को देखते हैं और प्रोग्रामिंग को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक्टिव विंडो स्मॉल स्क्रॉल नहीं चाहिए, मैंने इसको डिलीट कर दिया। रेंज B2 डॉट सेलेक्ट सही है, सेल्स फॉन्ट्स फार्मूला, और हमने फॉर्मूला अप्लाई किया जो कि आप देख रहे हैं। फिर फॉर्मूला के बाद हमने यहाँ पे इसको ऑटो फिट कर दिया, ऑटो फिट में हमारा रेंज आ गया। अब इस रेंज को भी आगे चल के हम डायनेमिक कर सकते, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हमारा रेंज सेलेक्ट है, इसको भी डायनेमिक करेंगे और ये आपका पेस्ट स्पेशल हुआ और ये आपका टेक्स्ट टू कॉलम हुआ। तो नेक्स्ट टाइम से हमें जस्ट क्या करना है, नेक्स्ट टाइम से हमें यहाँ पे कर्सर रखना है और अपना माइक्रो टू को रन कर देना है और हमारा काम हो जाएगा। तो हम काम वही कर रहे हैं जो हम VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग के जरिए कर रहे हैं, लेकिन यूज हम एक्सेल के फीचर्स कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप एक्सेल के फीचर्स को कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप VBA की तरफ मूव करें। तो मेरे हिसाब से मैंने एक्सेल के सारे फीचर्स कवर कर दिए हुए। हाँ, एक्सेल में आपका एक बच जाता है रिपोर्ट ऑटोमेशन विद डैशबोर्ड, ये टॉपिक मैंने होल्ड किया हुआ है क्योंकि इस टॉपिक को हम वीकेंड्स पे कराएंगे, क्योंकि ये टॉपिक हमेशा 1.5 घंटे 2 घंटे की होती है और इस टॉपिक में भी VBA का
यूज होता है, और मेरे बैच में मोस्टली लोग VBA एनरोल कर रखे हैं, तो मैंने बोला कि हम एक साथ दोनों करा देंगे, रिपोर्ट ऑटोमेशन विद फॉर्मूला एंड VBA ऑल्सो। ठीक है सर, तो आप लोग एक्सेल को अच्छी तरह से देख लीजिए, कोई टॉपिक